दोस्तों ये है गंगा की विशाल धारा और इसके नीचे अभी एक आदमी कूद गया है इसके नीचे, और ये आपको दिखाते हैं ये इसके नीचे, और ये देखिए इस नाव में बचाया गया है। इस समय विक्रमशिला सेतु पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीर यहाँ पर, और ये विक्रमशिला सेतु पर इस तरह के हादसे, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर। कोई भी ओपन पुल है, कोई भी पुल गिर सकता है। यहाँ पर भीड़ भाड़ है, देखिए किस तरह से लोग देखने के लिए रुक गए हैं। से हमें पता लगा कि यहाँ पर कोई गिर गया है, तो यहाँ पर कोई किसी ने छलांग लगाई है, यहाँ पर छलांग लगाई है कोई किसी ने कौन कितना आदमी था देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा छलांग लगाई है, और ये नाव पर इसको बचाया गया है। देखिए उठा के ले जाया जा रहा है, ये मंदिर लग रही है, लड़की लग रही है, लड़का है कोई, और ये ले जाया जा रहा है लड़के को। एक आदमी कूदा है और उसको ले जाया जा रहा है, हालांकि उसको उसने पानी पी लिया है। अब देखना होगा कि वो बचा है या नहीं बचा है, लेकिन यही धारा है देखिए दोस्तों, जिसमें सुरक्षित भी नहीं है लोग, और जो चाहे इस पर किया जा सकता है, खुला हुआ है ये पूरा, इसलिए ये खतरा यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लग गई है लोगों की इस बात को देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और ये पुल उतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर रुका जब आ रहे हैं और इस पर रुक रहे हैं, हालांकि इस पर रुकना ठीक नहीं है क्योंकि जाम लग जाएगा, इस पर जाम की स्थिति बन जाएगी, लेकिन फिर भी लोग रुक रहे हैं और लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और हुआ यही है कि यहाँ पर एक आदमी ने छलांग लगा दी है और वो कूद गया था, अब पता नहीं उसका क्या हुआ। तो फिलहाल चलते हैं अगली यात्रा पर, आपको क्या रिपोर्ट दिखाते हैं विक्रमशिला सेतु की रिपोर्ट।